सेक्टर 19 के रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से 57 वर्षीय जस्टर 12 ए रैली में आइसक्रीम की फैक्ट्री चलाता था, जो शराब पीने का आदि था। कल देर रात शराब के नशे में जसविंदर ट्रेन की पटरी को क्रॉस कर रहा था, तभी पीछे से तेज गति से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गया। चंडीगढ़ जीआरपी पुलिस जसविंदर पाल सिंह को पंचकुला सेक्टर 6 सिविल अस्पताल लेकर आई, जहां जसविंदर का शव सेक्टर 6 सिविल अस्पताल की मार्चरी में रखवा दिया गया। रात को 10:50 पर एक मैसेज आया था स्टेशन एसएस की तरफ से, उसके अनुसार भी एक बंदा सेक्टर 19 फाटक के पास किलोमीटर नंबर 237 रास्ता 29 पर एक लाश पड़ी है। जिस सूचना पर मैं वहाँ गया, मैंने देखा वे व्यक्ति जो किसी रेलगाड़ी की चपेट में आकर लाइनों के बीच। सर क्या नाम है युवक का, कितनी उम्र है? इसका नाम है इंद्रपाल सिंह है, बाप का नाम इसका दत्तार सिंह है, उम्र है इसकी 60 साल, मकान नंबर 109 सेक्टर 15 चंडीगढ़ का। तो क्या कहाँ मिली सर लाश इसकी? ये मिली है सेक्टर 19 फाटक के पास। क्या काम करते थे ये? इसका अपना बिजनेस है यहाँ सेक्टर 12 पर। क्या कुछ सामने आया सर, क्या क्या लग रहा है आपको, क्या लगता है? हालात से रेलवे एक्सीडेंट हुआ। अर्थ प्रकाश के लिए पंचकुला से अक्षय यादव की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।